सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक कर रहे थे अपन, माइक्रो हो गया था, मैक्रो स्टार्ट कर रही हूँ. मैक्रो में तीन पॉइंट्स हैं. पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं इसको. जितना भी रिसोर्सेज है, तो मैक्रो इकोनॉमिक में हम एग्रीगेट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड की बात करते हैं. मैंने पहले भी बताया, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअली और मैक्रो मीन्स हम लार्ज कंपोनेंट या फिर हम एग्रीगेट की बात करेंगे. तो फोर्थ प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम्स हमने माइक्रो में डिस्कस की थी, अब बाकी आगे की जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी वो मैक्रो में. सो ओवरऑल ये फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम होगा. ये है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, या फिर इसको दूसरा वर्ड बोल सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट. इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स होंगे. देखो, पहला एस्पेक्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट देना है सारे रिसोर्सेज को, यानी उनका फुल यूटिलाइजेशन होना. अब रिसोर्सेज कौन है? लैंड है. लैंड को एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब उस पर हम काम करेंगे. लेबर को हम जॉब देंगे. कैपिटल को हम इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में. तो ये क्या है? रिसोर्सेज हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट देखना देना, मतलब इनका फुल यूटिलाइजेशन करना. तो मेन प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक में, कि उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब रिसोर्सेज का ही पार्ट हैं. सिर्फ रॉ मटेरियल ही रिसोर्सेज नहीं है. जो भी पर्सन या जो भी चीज़ किसी चीज़ को प्रोड्यूस या प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, वो सब के सब रिसोर्स कहलाते हैं. इट मीन्स कैपिटल भी क्या हो जाएगी? हमारे रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी रिसोर्स है. उसके अंदर बैठा जो स्टाफ काम कर रहा है वो भी रिसोर्स ही है. तो मेन क्या था? तो प्रॉब्लम क्या होती है जब इन अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स होते हैं, जब इकोनॉमी डाउन की तरफ मूव करती है, तो उसके सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं यूज़ में. जैसे सपोज अभी का एग्जांपल ले लो, पैंडमिक वाला. अभी बहुत सारे लोगों की जॉब चले गई है, कुछ लोगों की बची है. तो अभी अपना इकोनॉमी फुल यूटिलाइजेशन पे नहीं चल रहा. इवन जैसे अपन 7 बजे तक लॉकडाउन लग जाता है, कभी 8 बजे तक, तो कुछ भी रिसोर्सेज कंप्लीट यूटिलाइजेशन में नहीं, नॉट इवन योर्स. अगर अपन अपना स्टडीज की बात करें, जब अपन फेस टू फेस मिलते हैं तो उसका एक क्या होगा? अब देखो, यहाँ से 100% वर्क तो आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? एफिशिएंसी. ये फर्स्ट टाइम है उतना एफिशिएंट होगा, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं नेटवर्क इश्यू की वजह से, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं. तो अभी क्या हो रहा है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो पा रहा. नेक्स्ट है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी इकोनॉमी में? प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी. क्या सामने वाले पास इतनी एफिशिएंसी या इतने स्किल्स हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है? तो प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, स्किल्स, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं जब एफिशिएंसी की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बात करूँगी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. क्या पता हमारा प्लांट एफिशिएंट है 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, लेकिन वो सिर्फ 5,000 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. एफिशिएंसी उसकी पूरी नहीं हो पा रही. या फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको 5,000 को 10,000 तक लेके जाएं, या हमारे पास इतने लेबर्स नहीं हैं कि वो इतना प्रोडक्ट करें. हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज तो हैं, बट कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम अपनी इनएफिशिएंसी शो कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी भी होती है. नेक्स्ट इसमें आएगा एफिशिएंसी इन एलोकेट. या अगर हम फुल लेवल तक उसको प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, बट जब हमको उसको एलोकेट करना है, मतलब क्लासिफाई करना है या बांटना है उसको, तो हम उसमें तो मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है. फिर एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो चॉइसेस की हम बात करते थे, या एफिशिएंसी यूज होनी चाहिए. तो किस टाइप का एफिशिएंसी, किस टाइप का रिसोर्स का फुल यूटिलाइज करना है, ये वो सब है. नेक्स्ट इसमें एक लिखोगे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो दूसरा इस टू जो दूसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन. इंक्रीज प्रोडक्शन क्यों नहीं है पे? क्योंकि जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है चीज़ों का. पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं गुड्स की, वो भी
प्रोपोर्शनली लेवल पे बढ़ती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपना पॉपुलेशन तो कंटिन्यू बढ़ रहा है लेकिन फैक्ट्रीज उतनी है, लेबर्स उतने ही काम करें, इवन जॉब्स जा चुकी हैं लोगों की, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स वगैरह वो नहीं हो रहा है. तो जो अपनी इकोनॉमी है वो किससे प्रॉब्लम फेस कर रही है कि हाउ टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाउ टू इंक्रीज its production capacity, increase production में कि production capacity को कैसे करें, क्योंकि जैसे production बढ़ेगा तो market में products ज़्यादा आएंगे तो उनको sell करने के लिए jobs उतनी आएंगी, तो जैसे ही jobs आ जाएंगी तो उससे क्या होगा, elimination of poverty होगी. और अगर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी हुई तो क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. तो सिर्फ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी से बढ़ाने से इतने फायदे हो सकते हैं एक इकोनॉमी में. तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना ही. कंक्लूड करूंगी अगर मैं स्टडी को अपने, तो मैं क्या बोलूँगी कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़े चाहे मैक्रो या माइक्रो, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक सॉल्व होगी तभी उसे दूसरी सॉल्व होगी. दूसरी बात, इंडिपेंडेंट भी है, एक पॉइंट लेवल पे ये लोग जुड़े तो हैं लेकिन इंडिपेंडेंट भी हैं. तो जितना भी कंक्लूजन में क्या बोल रही हूँ, ऑल दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी problems of an economy are interrelated and independent. Next, तो अब इनका solution, तो इनका solution क्या होगा, इतना सारा जो problems है इसका कुछ ना कुछ तो solution होता होगा मार्क. तो अब हम इसके solution की तरफ move करेंगे. तो अब जो प्रॉब्लम्स है तो अब उसका सॉल्यूशन निकालना है. तो सॉल्यूशन जो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का वो किसके थ्रू है, प्राइस मैकेनिज्म. किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, उसका नेचर चाहे कैपिटलिस्टिक हो, सोशलिस्टिक हो, चाहे मिक्स्ड हो, करने वाले लोग अलग हैं लेकिन करने का तरीका एक ही होगा. और वो किसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू. प्राइस मैकेनिज्म ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक मार्केट का फंक्शन है जिसमें डिमांड और सप्लाई काम करते हैं. डिमांड और सप्लाई क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे. जैसे ही डिमांड फोर्स, देखो मैंने क्या बताया था इसकी लास्ट वाले में जब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन की बात की थी. तो प्रोडक्शन भी पॉपुलेशन जिस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उतने स्पीड से हमको क्या करना है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है. तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है तो हमको उसका प्राइस भी तो ऐसे रखना है कि लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो मेंटेन रहे और उस लेवल पे लोग उसको परचेज कर सकें. तो अपना ऐसा क्या प्राइस होना चाहिए जिसमें लोग उस प्राइस पे आके सेट हो जाएं. तो प्राइस मैकेनिज्म की बात होगी तो इसमें तीन फोर्स काम करेंगे. एक डिमांड फोर्स. प्राइस मैकेनिज्म में पहला हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिमांड. इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ, एक सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई. और है इक्विलिब्रियम प्राइस. तो इसमें हम तीन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे. यस मैम. ओके, अब यस मैम. हाँ, प्राइस मैकेनिज्म. देखो प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है. प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है कि एक मार्केट, मतलब जो एक इकोनॉमी है वो कैसे वर्क करती है
वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करती है। देखो सारी चीजें अपन मेन इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड सोसाइटी सब इंटर रिलेटेड है। हम जो भी काम करते हैं वो क्यों काम करते हैं, मनी के लिए काम कर रहे हैं ना। तो हम क्यों काम, इनकम चाहिए हमको, हम इनकम आएगी तो हम क्या करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मतलब हम गुड्स को अपनी नीड्स को अपने वॉन्ट्स को क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे और सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो मेन एम अपना जो हम सोचते हैं कि हमारा जॉब करना है, हमारा ड्रीम जॉब है, हमको स्टडी करना है, क्यों करना है कि ताकि हम एक इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकें, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन मतलब सॉरी जो हमारा जो परचेजिंग पावर है, हमारा जो परचेज करने का कैपेसिटी है वो क्या हो सके, बढ़ सके। तो हम ये सब इसलिए करते हैं। तो उसको प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू एक इकोनॉमी वर्क करती है। जितना अगर प्राइस मैकेनिज्म से क्या होता है, मार्केट में चीजों का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। किसके थ्रू डिसाइड करते हैं हम जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेंगे, हम डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे। और उससे क्या होगा, लोगों का परचेजिंग पावर मतलब, और एक चीज ये भी देखी जाएगी कि लोग उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे। तो इससे क्या होगा, लोगों की नीड जो वॉन्ट्स और जो है वो सब क्या होंगी, फुलफिल होंगी। तो और क्या होगा, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें जो ओवरऑल है किससे इंटरकनेक्टेड रहती है। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो वो सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही बनता है। क्योंकि देखो अगर एक चीज मैं लेके चलूँ, अगर पॉवर्टी है तो लोग जो गरीब है उनके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, तभी तो उनके पास पॉवर्टी। और उनके पास पॉवर्टी कहाँ से है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होता तो पॉवर्टी जैसी चीज होती ही नहीं। ये जो मिडिल इनकम है, लोअर इनकम ग्रुप है, अपर इनकम ग्रुप है, ये तो बाद की बातें होती हैं। अगर तुम्हारे पास जॉब है और अगर तुम परचेज कर पाते हो, इट मीन्स वेल इनफ सफिशियंट है ना तुम्हारे पास। बाकी जो क्या बोलते हैं, जो अपर इनकम है, लोअर इनकम क्लास है, वो तो इनकम का क्या है, जो शेयर है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं चल रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और नहीं तो फिर पॉवर्टी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो इसलिए प्राइस मैकेनिज्म ऐसा प्राइस होना चाहिए कि लोगों का परचेजिंग पावर हो सके, लोग उसको परचेज कर सके। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मार्केट या क्या करता है, जो प्राइजेज है अपने आप को एडजस्ट करते हैं। किसके फोर्स में, डिमांड और सप्लाई के फोर्स में। कभी कभी आपने देखा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस उतना ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है चाहे कितना भी टाइम हो जाए, क्योंकि उसका जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो भी उतना ही है, और सप्लाई जो पर्सन उसको बना रहा है, जो सप्लाई है उसका मेंटेन रहता है। सपोज एक एग्जांपल ले लो आप मैगी का, तो मैगी जैसे आप सब लोग खाते होंगे, ठीक है, तो एकदम कॉमन बेसिक, उसकी डिमांड में कमी आई बिल्कुल नहीं, सप्लाई वो बिल्कुल दे रहा है, और उसका प्राइस अगर बढ़ा भी है तो 1 या 2 रुपए, क्वालिटी में कोई कम नहीं हुआ है। तो जितना उसने प्राइस रखा है तो उस पे लोग एग्री भी करते हैं, डिमांड भी उतनी है तो वो उतना सप्लाई भी करे। लेकिन अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं, तो उसके प्राइस अचानक से इतने बढ़ जाते हैं। अभी ऑनियंस प्याज, उसके प्राइस देखो, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, और सप्लाई इतनी कम है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। तो जितना उसका प्राइस रखा है और जो डिमांड है, तो जो पर्सन अब उसको उस प्राइस पे अफोर्ड कर पाएगा वही ले सकेगा। तो ये सब प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड होता है। अब इसमें देखो, हम यहाँ पे फ्री मार्केट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, मतलब इसमें कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक सब एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म में पहला मैं क्या पढ़ रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। तो याद रखना, जैसे डिमांड क्या होता है, एक चलो मैं इसमें लिख रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। देखो डिमांड क्या होती है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, समझना, अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ती है, और अगर प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। अब आगे देखो, इसमें लिख देती हूँ मैं, प्राइस राइज डिमांड क्या हो जाता है, लेस।
या फिर राइज फॉल, डिमांड राइज, है ना। तो अब इसको देखो, ये वाइस वर्सा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो वाइस वर्सा है, और ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, याद रखना ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें एक डिमांड शेड्यूल बताती हूँ मैं आपको, एक डिमांड शेड्यूल बनाएंगे अपन, तो सोचो इस तरफ मैं मेंशन कर रही हूँ प्राइस की, और नेक्स्ट कॉलम में मैं मेंशन करूंगी क्वांटिटी की, समझना। अगर मैं प्राइस सपोज 1 कर रही हूँ तो लोग में से क्वांटिटी कितना डिमांड करेंगे, 50। अगर मैं प्राइस 2 कर रही हूँ तो लोग मुझसे क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं अब 40। तो देखो मेरी डिमांड कम होते जा रही है, प्राइस बढ़ते जा रही है, 3 पे मुझसे मांग रहे हैं 30, 4 तो ये हो गई 20, ये हो गया 5, और अब मुझसे मांगा जा रहा है 10। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डिमांडेड की मैं बात करी, तो ये अपना डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये था प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, है ना। अब इसमें देखो, अब ये प्रिंसिपल ऑफ डिमांड हो गया, अब प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई देखते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई में क्या होगा, देखो सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी जो हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट में फॉर सेल, क्वांटिटी ऑफर्ड, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, जो क्वांटिटी हम ऑफर कर रहे हैं एट अ गिवन प्राइस, जो हम अपना प्राइस दे रहे हैं उस प्राइस पे हम जो क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं मार्केट में फॉर द सेल पर्पस के लिए। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिमांड यानी लॉ ऑफ डिमांड कहता था, प्राइस राइज देन डिमांड लेस, अगर प्राइस फॉल है तो डिमांड राइज होता है। अब इसमें क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड को याद रखना, ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिमांड है इसको बोलते हैं अपन, याद रखना ना, अगर मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आप कंफ्यूज नहीं हो। इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे, और जो प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई है उसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलेंगे। अगर एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड तो कंफ्यूज मत होना, वो प्रिंसिपल ऑफ डिमांड की बात करेगा उस पॉइंट पे। सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई में देखो, अब ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो प्रोड्यूसर है उसको सेल करना है तो वो किस प्राइस पे सप्लाई करेगा, जब प्राइस राइज करेगा, है ना। तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा वो सप्लाई क्या करेगा, हाई करेगा। तो देखो प्राइस राइज, सप्लाई हाई, आ रहा है समझ में, डिमांड और सप्लाई में डिमांड
अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और सप्लायर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि प्राइस जितना बढ़ेगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, उसका सप्लाई बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो उसको जितना ज्यादा सेल्स प्राइस मिलेगा उतना ज्यादा वो सप्लाई करेगा, उसका सेल ज्यादा होगा ना, उसका अमाउंट उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और प्राइस लो सप्लाई लेस। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। अब इसमें सप्लाई शेड्यूल देखो, सप्लाई शेड्यूल देखो, जैसे डिमांड शेड्यूल बनवाया था वैसे अब सप्लाई शेड्यूल सेम प्राइस और क्वांटिटी का बनाएंगे अपन, प्राइस और क्वांटिटी पे। ये जो क्वांटिटी लिख रही हूँ ये क्वांटिटी सप्लाई की बात होगी, इसमें उसमें क्वांटिटी डिमांड था, इसमें क्वांटिटी क्या होगा सप्लाई की बात होगी। देखो अगर प्राइस एक है तो वो क्या करेगा, कितने का सप्लाई करेगा, 10 का। लेकिन अगर मैं उसको दो प्राइस दूंगी सेल्स, अगर उसका सेल प्राइस अगर वो दो करता है तो क्वांटिटी कितना देंगे वो 20 देगा, तीन है तो और बढ़ते जाएगा 30 हो जाएगा, चार हो गया तो और बढ़ा देगा वो 40 पे लेके आ जाएगा, पांच आ गया तो कहाँ पे लेके आ जाएगा 50 पे। तो ये तो डिमांड कर्व है और ये शेड्यूल है। तीसरा है इसमें देखो इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस मैकेनिज्म कब काम करेगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरैक्ट करेंगे, और ऐसे पॉइंट पे जहां पे वो इंटरैक्ट करेंगे दोनों, जहां पे डिमांड और सप्लाई कटेगा, तो वो अपना हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इस पे देखना आप लोग, एक अपन ग्राफ बनाएंगे, इसमें कहीं पे डाउट है किसी को? बताओ कोई डाउट है जल्दी बताओ। नो मैम नहीं है। हाँ तो नो मैम, तो ये डिमांड और शेड्यूल है, ये मैं रहने दे रही हूँ और बाकी सब मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हटाऊ ना ये सब, किसी को नोट तो नहीं करना है ना? अब एक देखो, प्राइस 1 2 3 4 5 पे है, एक है क्वांटिटी डिमांडेड अपना और एक अपना है क्वांटिटी सप्लाई, है ना? तो देखो ये जो है ये कौन सा था, क्वांटिटी डिमांड वाला, इसके आगे डी मेंशन कर रही हूँ, तो वो डिमांड का शो करेगा आप लोगों को, और इसके सामने एस कर देती हूँ तो वो क्वांटिटी सप्लाई वाला हो जाएगा। अब इस पे देखो ये है अपना जीरो। अब मैंने नीचे प्राइस पुट करूंगी, नीचे सॉरी नीचे मैं कमोडिटी या क्वांटिटी पुट करूंगी,
तो कमोडिटी और क्वांटिटी देखो, 10, 20, 30, 40 पे एक ये बनाया, एक ये बनाया 20, एक ये बनाया 30, ये बना 40 और ये बना 50। फिर यहाँ पे प्राइस लिखूंगी तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। क्लियर है? डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, बाद में एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं फिर। ये देखो 1, फाइव से आना पड़ेगा मेरे को। इसमें डायग्राम बनाने में ही दिक्कत है, बस और कुछ नहीं इसमें। ये हो गया 5, यहाँ पे इसको 10, ये हो गया 20। चलेगा ना, ऐसे मैनेज कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे राइटिंग्स में? नो मैम। अब जल्दी से ना पुट करेंगे अपन, पहले ना डिमांड कर्व को पुट करेंगे और फिर अपन इसमें सप्लाई कर्व को पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले डिमांड वाले फैक्टर पे चलो। ये देखो, जब प्राइस एक है तो डिमांड कितनी हो रही है? 50 हो रही है। तो देखो, जब प्राइस एक, डिमांड कितनी है यहाँ पे? 50। ये तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे। देखो ये आया समझ में? देखो ये प्राइस है, ये डिमांड है, तो प्राइस एक, डिमांड 50, ये डॉट बना। नेक्स्ट देखो, प्राइस टू हुई ऊपर की तरफ, तो डिमांड कितनी हो गई? 40। तो एक 40 के इस पे एक डॉट बनेगा। फिर प्राइस 3, तो डिमांड क्या हो गई? 30। ये फिर प्राइस 4, तो डिमांड क्या हुई? 20। तो यहाँ पे देखो काट रहा है। और प्राइस 5, तो सॉरी, प्राइस 5 हुई तो डिमांड क्या हुई बताओ? 50, सॉरी 10। यहाँ पे ये समझ में आया जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स पुट किए? डिमांड यस तो मैम, यस मैम। जैसे मैं इसको देखो, ये एक लाइन आई, ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे दूंगी? डिमांड डी, है ना? क्लियर है यहां तक? ये इसको यस नाम दे मैम, दिया डी का। सेम यस मैम। ऐसे ही एस का करेंगे अब, इसी पे। तो एस में देखो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितना दे रहा है? ये 10 लिया यहाँ पे। फिर प्राइस 2, यहाँ पे 20। प्राइस 3, ये देखो 30 यहाँ पे। प्राइस 4, तो कितना लिया? 40। और प्राइस 5 है तो ये लिया 50। ये एस करवाई, तो ये अब जो एस के पॉइंट्स हैं, ये मैंने क्या कर दिए यहाँ पे? इसको नाम दे दिया मैंने एस का। ये हो गया एस, तो कहाँ पे कटा? ये 330 पे, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हो गया ई, जहां पे ये कटा है ना। आया समझ में? इक्विलिब्रियम। तो अब उस प्रोडक्ट की यस प्राइस मैम, क्या चूज होगी? 3। और क्वांटिटी की सप्लाई और डिमांड कितनी होगी? 3। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, जहां पे ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। ये था प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर है? यस मैम, किसी को डाउट यस है? मैम। प्राइस मैकेनिज्म में देखो, डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरेक्ट किया वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना? अब इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे।